आज हम जानेंगे कि स्मार्ट इमोजी और डम इमोजी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों वैसे तो ये दोनों ही इमोजी देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन एक इमोजी है जिसमें दो दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी इमोजी स्माइल कर रही है। तो आज हम यही जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है और इन दोनों इमोजीज का यूज आपको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहली बात हम करते हैं स्मार्ट इमोजी की। स्मार्ट इमोजी में चश्मा लगा हुआ है और इमोजी स्माइल कर रहा है। दोस्तों इस इमोजी का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमें गर्मी लग रही हो, यानी कि हम एक गर्म दिन का सामना कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी जब ज्यादा होती है तो सारे लोग बाहर जाने से पहले चश्मा पहनते हैं। तो उसी तरीके से इस इमोजी का ये सिंपल सा यूज है, लेकिन इसके और भी कई मतलब हैं। जैसे कि अगर आप अपनी स्मार्टनेस दिखाना चाहते हो, आपने कोई ऐसा काम किया हो जो और कोई नहीं कर सकता, और आप अपनी कूलनेस को दिखाने के लिए इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इमोजी की। दोस्तों इस इमोजी में भी चश्मा पहना हुआ है, लेकिन ये चश्मा पूरा काला नहीं है और इसमें दो दांत भी बाहर निकल रखे हैं। दोस्तों इस इमोजी का यूज एक पॉजिटिव वे में किया जा सकता है और ये उन लोगों के लिए ज्यादा यूज करते हैं जो लोग चश्मा पहनते हैं। ये इमोजी पढ़ने लिखने, स्मार्ट होने, अपना काम अच्छी तरीके से करने और इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो उनको चश्मे लगे हुए होते हैं, तो लोग उनको चश्मे कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन इस इमोजी का यूज किसी भी अपमानजनक स्थिति के लिए कभी नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रहे कि इस इमोजी का यूज स्मार्ट और इंटेलिजेंट और पढ़ाकू बच्चों के लिए किया जाता है, ना कि किसी बेवकूफी को दिखाने के लिए या फिर किसी की मूर्ख भरी बातों को बताने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि इन दोनों इमोजी में आपको अंतर पता चल गया होगा। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।